मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सकें तो ऐसी मोहब्बत काबले एतबार नहीं होती। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी माहिर को साथ से गिला है। वहाँ साथ की बहन भी तमाम सच पूरी फैमिली को बता देती है और ये कहती है कि साथ शुरू से ही मोहब्बत करता था माहिर से, वो उससे शादी करना चाहता था। माहिर और माहिर की मां का रवैया साथ की फैमिली के लिए अनएक्सपेक्टेड है और माहिर जो कि अपनी मोहब्बत में नाकाम हो चुकी है और उसको इतने बड़े दुख का सामना है, उसका रवैया तो नेचुरल है। लेकिन माहिर की माँ जो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थी, वो साथ की फैमिली के साथ उसका रवैया कुछ ठीक नहीं होता। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल स्टोरी में आप देखेंगे कि किस तरह से माहिर और साथ की शादी जो कि एक हादसाती तौर पर हुई लेकिन रुकती, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। जब साथ के वालिद को पता चलेगा कि माहिर पहले ही किसी से मोहब्बत करती है तो वह उसके बाप से यानी कि अपने भाई से गिला करते हुए नजर आएंगे। जब तुम्हें सारी हकीकत का पता था तो तुम्हें मेरा ही बेटा मिला था। इस पर माहिर के वालिद अपने भाई से कहेंगे कि जो कुछ हुआ वो हो गया, लेकिन अब मेरा ये दिल है, मेरी ये ख्वाहिश है कि इज्जत के साथ रुखसती कर दी जाए और रुखसती कर दी जाएगी। जिस पर साथ माहिर से कहेगा कि मेरी तो ख्वाहिश थी कि इस बंधन में तुम्हारी भी मर्जी शामिल होती, लेकिन तुम सिर्फ इस बंधन में बंध गई हो, तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल नहीं है। नाज़रीन ग्रामी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रिश्ता जो कि एक हादसाती तौर पर बना और साथ की तरफ से तो मर्जी शामिल थी लेकिन माहिर सारी हकीकत से बेखबर थी, क्या ये रिश्ता चल पाएगा और इस रिश्ते में जो एक नफरत की दीवार है वो गिर पाएगी। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था जो कि व्यूवर्स का बहुत फेवरेट ड्रामा है। आने वाली एपिसोड्स की तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें।